What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 5th मार्च 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:28 हो रहे हैं. थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो फ्रेशर्स बिगिनर्स थोड़ा कॉशियस रहिए ट्रेडिंग करते वक्त. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 4th मार्च आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,341 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,264. तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, हमारे ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये ओपन हुआ और सस्टेन नहीं हो पाया, तुरंत ही टूअर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ. और जैसे ही फर्स्ट टाइम इसका अटेम्प्ट था तो ब्रेकडाउन लेवल का इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की, हालांकि फेल हुआ. और जैसे फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद ये 11,232 जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था ये अचीव हुआ. एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने एक पॉज लिया, हॉल्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की, हालांकि ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था. पेनेट्रेट हुआ ये लेवल और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ जब मूव हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट के साथ सेकेंड टारगेट 11,200 ये भी अचीव हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 33 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, एक रिकवरी फेज इसे हम कह सकते हैं. नासडेक करीब 334 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर भी हरे निशान में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. एशियाई बाजार आज देखे तो लगभग सभी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. SGX निफ्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर को देखे तो 161 पॉइंट की इस समय गिरावट दिख रहा है. तो एशियाई बाजारों में थोड़ा सा अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है. कल भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कोरोना वायरस की वजह से, तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा था. चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. वीकली चार्ट में लास्ट वीक भी हमने देखा कि ये 100 EMA के पास आके रुका था, क्लोज हुआ था कल के वीक में. और इस वीक भी देखे तो ये 100 EMA को पेनेट्रेट कर रहा है. उसके नीचे 23.6 का 11,100 का जो सपोर्ट है ये मेंटेन है, ये अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है. 4 दिन हो चुके हैं, इसको एक रिस्पेक्ट दे रहा है 11,100 को. पास्ट में देखा था हमने 100 EMA को काफ़ी दिन इसने एज अ सपोर्ट टेस्ट किया था और फिर एक पैटर्न बना के यहाँ पर नीचे देख सकते हैं. ये हमने मार्क किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना था. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किया था. तो इसके बाद ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिली. अभी ये थर्ड टाइम है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, अभी ये थर्ड टाइम. तो क्या फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाएगा, या फिर अगर ये कोरोना वायरस का टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सपोर्ट भी है वो टूट सकता है. तो इन सपोर्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर आप बना सकते हैं. तो डेली चार्ट पर चलते हैं. अभी डेली चार्ट में अगर देखें तो कल हमने यहाँ पर देखा था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बना हुआ है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. लेकिन जो हमें कन्फर्मेशन चाहिए था, ये पैटर्न एक सिग्नल था, कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक चाहिए था, वो यहाँ पर कल नहीं बना. यहाँ पर जो बना है इसका हैमर कैंडलस्टिक इसे कहा जाता है. ये भी डाउन ट्रेंड में अगर आता है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिले. तो बाउंस बैक मिलता है तो ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल्स कहाँ पर आते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था. तो कल भी 23.6 के पास इसने एक फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया. अभी आप देखें तो इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी ये जो बेयरिश कैंडल स्टिक बना हुआ है इसका हाई और लो के बीच में 2 दिन हो चुके हैं ये ट्रेड कर रहा है. ना ही इसका हाई तोड़ रहा है, ना ही इसका लो ब्रेक कर रहा है. तो अभी इसका हाई और लो काफ़ी क्रूशियल लेवल बन जाता है. ये ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, ये ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है. तो अभी इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है. देखते हैं आज ये लो या हाई ब्रेक होता है या फिर आज भी ये कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है कि इनसाइड बार ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है. चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में. इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे.
निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो कल इसने बाउंस बैक, कल ये साउथ की तरफ मूव होने के बाद एक बाउंस बैक करने की इसने कोशिश की, तो इसका ये जो स्विंग हाई बन रहा था ये यहाँ पर कल हमारा ये ब्रेक डाउन लेवल था, तो इसके ऊपर ये आज हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल 11,276। इसी के पास 20 EMA का ये मूविंग एवरेज आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,300, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,328, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो पिवट पॉइंट के पास, पिवट पॉइंट का S1 का ये जो लेवल है इसी के पास ये कल का इसने लो बनाया था, यानी यहाँ से ये स्विंग लो बनाकर एक बाउंस बैक लास्ट हाफ एन आवर में इसने दिखाया था, तो इसके नीचे अगर ये चला जाता है 11,104 के नीचे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,072, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,036, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर अगर ये लास्ट हाफ एन आवर का अगर ये ब्रेक करता है, ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है इसका लो अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी रिस्की हो सकता है यहाँ पर तुरंत शॉर्ट पोजिशन बनाना, तो अगर ये कल के लो के नीचे चला जाएगा 11,100 के नीचे चला जाएगा तो काफ़ी आसानी होगी शॉर्ट पोजीशन बनाना, क्योंकि वहाँ से एक फ्री फॉल आ सकता है, क्योंकि ऐसा जब लो ब्रेक करता है तो यहाँ से एक सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी कम रहते हैं, तो यहाँ पर अगर इस बुलिश कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये लास्ट जो स्विंग लो बना है एक छोटा, तो यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाए, तो कंफर्टेबली 11,100 को ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट पोजीशन बनाना काफ़ी आसान हो सकता है। तो ये है इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।